इसका एक रीजन है। क्या रीजन है पता है? क्योंकि ये वर्ड क्लासेस इंडिया का ग्रामर बुक में होता ही नहीं है। तो कहाँ होता है बेटा? सर सिलेबस में तो नहीं आ रहा होगा ना ये सब? आएगा बेटा, पढ़ा इसीलिए रहा है सर, लिखा तो नहीं है सर सिलेबस में। थोड़ा शांत हो जाओ बेटा। इंडिया का जो ग्रामर बुक होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहा है, ठीक है? क्यों अपडेट हो रहा है? क्योंकि ये जो ग्रामर लिखा जाता था पहले, ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ग्रामर था। ट्रेडिशनल मतलब पहले जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसको सिलेबस के वाइज बनाया जाता था मार्केटिंग के लिए, ताकि बुक ज़्यादा बिके। इसके लिए नहीं कि तुम ज़्यादा सीखो, इसलिए कि बुक ज़्यादा बिके। क्लास टेंथ का बच्चा ज़्यादा बुक खरीदेगा, क्लास इलेवेंथ का बच्चा ज़्यादा बुक खरीदेगा, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ रेफरेंस बुक हम बना रहे हैं, जैसे कि मैंने खुद भी बनाया है, जिसमें पहली बार हम लोग ये चीज़ें बता रहे हैं, जिसको पहली बार ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर अगर फॉलो करो तुम, बहुत सारे नई चीज़ मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ कौन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर पढ़ता है? किसका लिखा हुआ है? ग्रीनबर्न करके एक आदमी है जिसने लिखा है, पब्लिकेशन है ऑक्सफोर्ड। कभी मिले तो पढ़ना, इतना मोटा सा बुक है, ठीक है? अगर उसको पढ़ लो, उसके बाद अगर इंडिया का ग्रामर बुक पढ़ो, तुम्हें लगेगा भाई क्या पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं। तो ये वर्ड क्लास देखो, इसमें दो चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो पहली बार आप लोग सीखोगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको एलिमेंट्री में मैं कह रहा था कि ये सब बहुत छोटे बच्चों को सिखाने का चीज़ है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को अभी तक ये सब सिखाया नहीं गया, राइट? और ये सिखाने के लिए ही मैं आया हूँ। ये क्लास एक्चुअली मेरा है, ठीक है? अभी देखो, लेकिन मुझे बाकी क्लास छोड़ के भी ये क्लास दिया गया है स्पेशली टू टीच समथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, ठीक है? देखो, इसको कहते हैं जो जो हमारा डिविजन होता है, एक को कहते हैं ओपन वर्ड क्लास, एक को कहते हैं क्लोज वर्ड क्लास। वर्ड क्लास क्लास का मतलब क्या होता है बेटा? श्रेणी होता है ना, कैटेगरी होता है। डिफरेंट हो गए तब आपका एक क्लास बन जाएगा। अगर पूरी क्लास एक जैसा है, आपका उम्र एक जैसा है, तो आप एक क्लास के हो। अगर आप इतने से हो, मैं यहाँ बैठने दूंगा आपको, ले जाऊंगा एलिमेंट्री। क्यों? क्योंकि आपका एज ग्रुप इस क्लास से मैच नहीं कर रहा, राइट? अगर इंटेलेक्ट मैच कर दिया, एज मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपका जो इंटेलिजेंस है वो मैच कर रहा है, तब बैठने दूंगा। अभी क्यों बताओ? अभी बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है? अभी दुनिया बहुत बदल रहा है। अगर आप लोगों का इंटेलिजेंस एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जैसा है, तो आप लोग अभी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। पता है आप लोग, इंडिया में ये कल्चर नहीं है अभी तक, लेकिन बहुत सारे देशों में ऐसा है। क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, एक टेस्ट देना, पास कर जाओ, कोई भी उम्र का हो चले जाओ, क्लास टेस्ट की तरह एंट्रांस। समझिए, ओपन और क्लोज में क्या फर्क है? देखो, अभी ये गेट खुला हुआ है, द गेट इज ओपन नाउ, बाहर से कोई अंदर आ सकता है? अगर बंद कर दूं, ये ओपन जो वर्ड क्लास होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब किसी को भी वेलकम कर लेंगे। अगर मैं किसी को वेलकम कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू मेक सम चेंज। समझो, अच्छे से समझना, ये रूम में दरवाजा खुला है, अभी बाहर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चल रहा है, स्ट्रांग मतलब जोर हवा चल रहा है, धूली मिट्टी, पेड़ के पत्ते अंदर आएंगे। क्यों आ रहा है बता? रूम खुला है, ओपन है, ओपन है इसलिए अंदर आया। क्या अंदर आया? धूल मिट्टी वगैरह, पत्ते वगैरह। रूम चेंज हो जाएगा, साफ है, क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो जब ओपन होता है कुछ, तब क्या होता है, वो चेंज हो सकता है। अगर आप लोग ओपन माइंडेड हो, तो आप खुद को चेंज कर पाओ। अगर आप क्लोज माइंडेड हो, आप खुद को चेंज ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो क्लास में पढ़ा, अभी सोचो आपके दोस्त के साथ आपका क्या हो गया, थोड़ा सा फाइट हो गया, राइट?
अभी मैं जाके आपको समझाने का कोशिश किया। अगर आप ओपन माइंडेड हो गए, आप कहोगे नहीं सर समझा रहे हैं, बल्कि थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है सर तो दोस्त की तरह बिहेव करता है, ये सब अगर तुम सोच रहे हो मतलब तुम ओपन माइंडेड हो। अगर ऐसा इको में ले रहे हो सर मुझे समझा रहा है, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मेरा देख लो दाढ़ी देख लो, ठीक है अभी निकलता हूँ एकदम इसके जैसे एलविस राइट, तो तुम्हारा ईगो में लग रहा है कि सर मुझे ऐसा डांट क्यों रहा है, राइट मतलब तुम क्या हो सिस्टम हो, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं हो बेटा, क्लोज सिस्टम हो, तुम कभी खुद को चेंज ना कर पाओ, ठीक है वो जिसका नाम कर रहा हो वो भी ओपन ही है राइट, वो क्लोज नहीं है, समझ रहे हो। अभी देखो तुम्हें ओपन बनना पड़ेगा, अभी देखो ग्रामर में क्या काम आता है वो। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो ओपन लोग होते हैं ओपन माइंडेड लोग होते हैं ये ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, किसको लग रहा है ज़्यादा होते हैं आप बताओ, ज़्यादा किसको लग रहा है, कम किसको लग रहा है आप बताओ, सही है कम है, ओपन माइंडेड लोग बहुत कम होते हैं बेटा, अगर हर कोई ओपन माइंडेड हो जाए ना तो दुनिया सुधर जाए, लड़ाई ना हो दिल्ली में, दंगे ना हो लड़ाई ना, दुनिया में शांति आ जाए, बदमाशी ना हो, वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन हम लोग क्लोज माइंडेड हैं, कैसा सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा लोग है, ये मेरा देश है, मेरा देश कि वो देश का आदमी आदमी नहीं है, कोई भी देश ABCDEFG इंसान ही तो है ना सर, आप भी तो इंसान हो मैं भी तो इंसान हूँ, ये जो बनाया हुआ है ना ये बेटा कौन बनाता है पता है, जिसको राज करना है वो खुद के लिए बनाता है, सीधी बात है, नहीं तो ये मैप इतना चेंज नहीं होता, पता है 100 साल में कितनी बार मैप चेंज होता है, एक बार यूपी में सर्च कर लियो इंडियन मैप इन लास्ट 100 ईयर्स क्यों चेंज होता है पता, क्यों चेंज होता है, लड़ाई की वजह से, लड़ाई की वजह से होता है, लेकिन वो लड़ाई क्यों होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग ये बन जाए तभी तो वो राज करेंगे, जो भी राज करेगा एक देश में वो तभी राज करेगा जब तुम्हारे दिमाग को क्लोज बना देगा कि तेरा मैं ही राजा हूँ और किसी के बारे में सोचती हो मत, समझ रहे तो यही पॉइंट है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी देख ले क्या होगा भाई, ग्रामर हो या जिंदगी हो भाई एक ही चीज है, यहाँ पर चार है, चार क्या है पता है, नाउन्स, नाउन को सोच रहे राजा है, नाउन का एक मंत्री है जो नाउन के बारे में ही बात करता है, मंत्री का काम क्या है बेटा राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, राजा को सपोर्ट करना, एडजेक्टिव, इसका काम क्या है नाउन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, समझ रहे हो, ग्रामर ही सिखा रहा हूँ कुछ और नहीं। तीन है बोर्ड, ये भी राजा है, बोर्ड राजा है, इसका भी एक मंत्री है, याद रखना जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे पूरी जिंदगी याद रखना। एडवर्ड, एडवर्ड क्या करता है बेटा बोर्ड के बारे में अच्छी अच्छी सिंपल, चार बोर्ड, चार में से भी दो बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ क्या हो जाएगा पूरी झूंड आ जाएगा, प्रोनाउन आएगा ये छोड़ के बाकी जो भी है सब इधर आ जाएगा, क्या क्या है बता दो, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और क्या है बता, प्रीपोजिशन और क्या होगा, सब आ जाएगा इधर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो, अभी जिसको तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हो ना ये जो फ्रेज है इसको हम मॉडर्न ग्रामर में यूज नहीं करते हैं, वर्ड क्लास कहते हैं, क्या कहते हैं वर्ड, क्यों नहीं यूज करते हैं पता है, स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच का मतलब क्या होता है, एक
वहां से जो हम कह रहे हैं हर एक सेंटेंस स्पीच ही तो होता है। स्पीच का मतलब क्या है? कुछ कह रहे हो मीनिंगफुल है। अभी देखो अगर मैं कह रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो समझना है, कॉन्फ्लिक्ट समझना, अच्छे से समझना। पार्ट का मतलब क्या होता है? पार्ट मतलब एक हिस्सा। अभी तू बता भाई, मैं इसको कह रहा हूँ क्लास का हिस्सा, बाकी को नहीं कह रहा, बुरा लगेगा सर? लगना ही है नहीं। तो देखो वर्ड जो है इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसके लिए क्या कह रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तू बता फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, ये सब भी तो ग्रामर में होता है ना, ये भी तो पार्ट भी है। सेंटेंस का जो हिस्सा है क्लॉज, फ्रेज क्या है? सेंटेंस का जो हिस्सा है। लेकिन उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कह रहे, सिर्फ वर्ड के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ये टर्म यूज किया जाता था अब तक, जो कि हमने अभी चेंज करके बना दिया है वर्ड, ताकि ये क्या ना हो, दो टाइप के बिहेवियर ना हो। ठीक है, समझ गया? ये यूज ना करके हम कर रहे हैं। अभी देखो ये ओपन वर्ड क्लास कैसे बन रहा है, ये क्लोज कैसे बन रहा है। यहाँ क्या आ रहा है देखो, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, न्यूमरल, ठीक है, ऐसे ऐसे आता रहेगा इंटरजेक्शन करके, सात है टोटल। ठीक है, बाकी सब है, इसका झुंड बड़ा है। क्लियर? इतना क्लियर? अभी देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगा जब तुम पढ़ोगे ओपन वर्ड क्लास, ग्रामर तो आधा इधर ही खत्म हो जाएगा। नोट कर सकते हो, काम आएगा। अगर तुम्हें याद रखना है तो नोट करो, जिसको ग्रामर थोड़ा लगता है कि बाद में काम आएगा, नौकरी टोकरी एग्जाम देंगे तब तो कोचिंग लोगे 60-70 हज़ार, 1,00,000, 2,00,000 डिपॉजिट करके चले जाओगे, भगवान मुझे पढ़ा दो, इंग्लिश कुछ नहीं आती, ग्रामर में हालत खराब है सर, थोड़ा इंग्लिश पढ़ा दो और रीजनिंग पढ़ा दो, सेवन नंबर दो। ठीक है, तब 1,50,000 रुपये लगेगा बेटा। ठीक है, और अभी क्लास में पढ़ा रहा है, तुमको पता भी नहीं है कि मैं पूरे एक लिंग्विस्ट हूँ, मेरा 2 इंग्लिश ग्रामर का बुक चलता है मार्केट में। ठीक है, इसीलिए पढ़ाने आया हूँ तुमको। नेम कौन सा कौन से बुक का नाम? सिंटैक्स, SYNCAX। अभी देखो ये ग्रामर के ऊपर है, बाकी लिंग्विस्टिक के ऊपर है, जो तुम्हारा काम नहीं आएगा। ये एक बुक है जिसमें ये सब रहता है। ठीक है, अभी देखो ओपन वर्ड क्लास पढ़ेंगे। सर कितने पैसे मिल गए इसके आपको? कितने में बिक गया? सब बेच रहे हैं उसमें। ऐसा जितना मिला है एक्स्ट्रा बुक मिल रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किसका कह रहा है? बुक का। हाँ सर, मुझे कितना पैसा मिला? वो तो बता नहीं पाएंगे बेटा, सब बता देंगे। बता दो ना खुश हो रहे। 2 मिनट सवाल कर रहे हैं, सब कुछ कैमरे के सामने नहीं बता सकते। वो कर दो सर, बंद कर दो। नहीं बेटा, थोड़ा वेट ही कर दो। ओपन वर्ड क्लास देखो, अभी देखो इसको ओपन क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? 4 ओपन वर्ड क्लास कौन कौन सा है? कौन कौन सा 4 ओपन वर्ड क्लास है बता, अभी बताएगा। सर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, बाकी सब क्लोज। क्लोज कुछ भी हो जाए, क्लोज भी हो जाएगा, ये 4 याद रखना दम। अभी देखो इस ओपन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे कम भी है और ये ओपन भी है। दुनिया में जो लोग ओपन होते हैं वो तरक्की करते हैं, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं। देख लो बाकी का तो मैं मिटा भी दिया हूँ। अभी देखो नाउन, अभी नाउन तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि इतना मुझे पता है कि तुम लोगों को नाउन पता है। ठीक है, ये नाउन का क्लास चल रहा है, क्लास 1 नहीं है। देखो नाउन तुम लोगों को पता है, लेकिन एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ क्लास 1 के बच्चे अभी भी बड़े होकर इधर बैठे हैं,
ठीक है ना। तो नाउन का आपको डिवीजन पता है क्या क्या नाउन का भाग होता है, किसको याद है? भाग याद है, हाथ ऊपर करो याद। देख रहे हो, हालत देख रहे हो बेटा। ठीक है, मैं याद दिला रहा हूँ। देखो, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और बता और कुछ है। कंपाउंड नाउन, किसको कंपाउंड नाउन कौन पढ़ा है? कंपाउंड नाउन किसने पढ़ा था? कंपाउंड नाउन क्लास, कंपाउंड नाउन बताते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है? देखो, एक नाम बनाते हैं दो वर्ड को जोड़ के, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्लासमेट, क्लास और मेट को जोड़ के बना दिया क्लासमेट। क्या है बता? क्लासमेट, क्लासमेट क्या है? कॉमन नाउन है। क्लासमेट कॉमन नाउन है, क्लास और मेट को जोड़ के बनाया क्लासमेट। ये जो जोड़ के बनाया हुआ वर्ड होते हैं ना, जो नाउन बनते हैं, इसे कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या है? जोड़ना। ऐसे ग्रामर को समझो ना, नाम में आंसर है। कंपाउंड मतलब जोड़ना, नाउन मतलब जोड़ के जो नाउन बनता है। अभी तुम्हें डेफिनेशन याद करते हैं, ग्रामर में कभी डेफिनेशन याद नहीं करते। क्या करना है बता? नाम याद करना। नाम को डेफिनेशन में बदलना आना चाहिए। डेफिनेशन क्या होता है कौन बताएगा? डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन मतलब तुम्हारा जो गुण है, वो गुण को एक साथ लिख दो, डेफिनेशन बन जाएगा। जूते का डेफिनेशन कोई पढ़ा है जिंदगी में? पढ़ना जरूरी है जूते का डेफिनेशन? जूते का डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है? जूते का डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है सर? जूते का डेफिनेशन कोई नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? तुझे अगर पूछ लूँ तू ऐसा बता देगा, जूता पैर में पहनते हैं, जूता क्या करता है? पैर को सुरक्षित रखता है, क्या कहते उसे, धूल से बचाता है, कीचड़ से बचाता है। ये हो गया ना। अब तू बता, पेड़ का डेफिनेशन कौन पढ़ा है? पेड़ का डेफिनेशन। तो तुम क्या कर रहे हो, सोचो तुम कर रहे हो क्या? ऐसा पदार्थ है जो हवा देता है, पानी देता है। क्या समझो, गुण जो गुण है, क्वालिटी है, एक साथ तुम लिख रहे हो या बोल रहे हो, डेफिनेशन बन गया, राइट? तो डेफिनेशन कभी याद करने का जरूरत नहीं है। नाम याद कर लो। देखो, ओपन वर्ड क्लास, ये नाम याद कर लो। देखो, डेफिनेशन हो गया। ओपन मतलब क्या समझा मैंने? खुला हुआ, जो क्या करता है, किसी को वेलकम करता है। वर्ड क्लास का आपको पता है, वर्ड मतलब वर्ड ही होता है, जो लेटर से बनता है, मीनिंग होता है, इसको वर्ड कहते हैं। क्लास मतलब श्रेणी। डन। अभी देखो, मैं डेफिनेशन बना रहा हूँ। ओपन वर्ड क्लास, जो वर्ड क्लास क्या करेगा, वेलकम्स द वर्ड क्लास दैट वेलकम्स, क्या वेलकम करता है वो? चेंज, चेंजेस टू मेक अनदर वर्ड। द वर्ड क्लास दैट वेलकम्स चेंजेस टू मेक अनदर वर्ड क्लास। तुम्हें लग रहा है इतना कह दिया, राइट? ऐसे ही तो बिजनेस बनता है बेटा। ये डेफिनेशन छाप के किताब दिख रहा है। क्लास में आके समझा रहा हूँ डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, तुम अगर समझ लो तो तेरा बुक बिके ना। लेकिन नहीं सुन, जब एसएससी दोगे दो साल बाद, यूपीएससी दोगे, तब याद आ जाएगा सर ग्रामर। क्लास में क्या करा था, यही तो पढ़ा रहे थे। क्लॉज फ्रेज सिलेबस में वही है। नौकरी के लिए सोच रहे, नौकरी के लिए पढ़ा रहा हूँ। नहीं ना, जब जाऊंगा। देखो बेटा, नाउन और वर्ड इंटरचेंज करो, एडजेक्टिव। मैजिक देखना है, ग्रामर के साथ मैजिक करो। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये तीनों को मैं इंटरप्ले करूंगा। इंटरप्ले मतलब पता है, एक नाउन लूंगा, उसको वर्ब की तरह यूज करूंगा, उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करूंगा। देखेगा मैजिक। रेड क्या है?
नाउन है ना, कलर का नाम है। अभी देख रेड को मैं यूज करूंगा, ये तीनों कभी एडजेक्टिव बन जाएगा, कभी वर्ब बन जाएगा, कभी नाउन बन जाएगा। कैसे ये बन सकता है? क्योंकि ये ओपन है। मैं कभी क्लास 5 में पढ़ा रहा हूँ, कभी 12 में पढ़ा रहा हूँ, कभी 11 में पढ़ा रहा हूँ। क्यों? मैं ओपन हूँ, मुझे कुछ भी देखो मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले कहाँ पढ़ा रहा था? और बड़े थे थोड़ा, राइट? तो तुमको ओपन बन जाना। घर में कोई कह रहा है, मम्मी कह रहा है, बेटा थोड़ा ये काम कर दे, कर देता हूँ ना, क्यों कहना? ठीक है, अभी देखना, देखो इसको यूज करो। रेड इज माय फेवरेट कलर। देखो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, रेड क्या है बोलो ना। अभी देखो मैटिक, डू नॉट रेड द पेज। इसका मतलब पता है, मेरे पेज को लाल मत कर दे, पेन से कोई घिस रहा है। तुम कह रहे हो डोंट रेड माय पेज, यहाँ रेड बहुत रहता है। डोंट रेड द पेज कैसा पता चला? देखो, डोंट डू द वर्क, डोंट ईट माय टिफिन, राइट? ये वर्ब पे लगा, वर्ब हो गया। अभी एडजेक्टिव देख लो, इट इज अ रेड पेन। रेड क्या कर रहा है? पेन को क्वालिफाई कर रहा है, कुछ बता रहा है पेन के बारे में। पेन कैसा है? रेड है, एडजेक्टिव हो गया। मैजिक क्या है पता है? वर्ड तो रेडी है, कभी नाउन तो कभी वर्ब तो कभी एडजेक्टिव। नाउन एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब ऐसे वर्ड है जो ऐसे चेंज हो जाते हैं। जो समझ रहा है वो तो समझ रहा है, ठीक है? जो नहीं समझ रहा है मैं भी घर दोबारा नहीं आऊंगा कुछ दिन बाद, तुम भी यहाँ एक साल बाद नहीं रहोगे, एक दो साल बाद, दो साल बाद तुम कहाँ मैं, ठीक है? हम बिछड़ जाएंगे यार, बहुत स्टूडेंट थे कहाँ रह गए, ठीक है? थोड़ा सीख लोगे तुम्हारा काम आ जाएगा, जल्दी ना कभी नौकरी हो जाए, सैलरी खाओगे सरकार का। नहीं सीखोगे क्या करोगे तुम्हें? देखो नाउन तो हो गया, अभी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हर एक को यूज कर सकते हैं एडवर्ब को। अभी मैं एक वर्ड दूंगा तुम्हें, इसको डिफरेंट टाइप से यूज करो, ठीक है? अच्छा बताओ, ब्लैक सर, ब्लैक इज माय फेवरेट कलर, डोंट नोट ब्लैक द पेज और इट इज अ ब्लैक। नहीं नहीं ये मुझे याद करना, डोंट नोट ब्लैक द पेज। बेटा ऐसे मत करो, ये तो चीटिंग है। ब्लैक पेज माय फेवरेट कलर, ब्लैक पेज माय फेवरेट कलर, माय फेवरेट बुक I am buying a black page. मैं एक ब्लैक पेज खरीद रहा हूँ। यहाँ पर ब्लैक क्या है? पेज को क्वालिफाई कर रहा है। डन। नाउ यूज ब्लैक एज नाउन, नाउन की तरह यूज करो। माय हेयर इज ब्लैक, माय बैग इज ब्लैक, माय शूज इज ब्लैक, शूज यूज होता है, शूज ब्लैक, ब्लैक का तो थोड़ा कमी से बड़े हो गए। अच्छा देखो, नाउन उस पुस्ते का कि माय शूज आर ब्लैक, यहाँ पर बताओ ब्लैक से एडजेक्टिव भी बन गया, ठीक से बताओ, बताओ ब्लैक नाउन, नाउन बना के यूज करो बिटेगा, नाउन बना के ब्लैक को यूज करो, बता यार, ब्लैक बता,
माय फेवरेट कलर नहीं वो भी सर मेरा क्या है ब्लैक ब्लैक इज ब्लैक इज स्पीकर ब्लैक इज स्पीकर प्लीज थोड़े यार नहीं वो बताओ बताओ ब्लैक इज ट्राइपॉड ठीक से बताओ फोन ब्लैक इज एवरीवेयर ब्लैक आईज इन द फेस फेस विद द यूनिवर्स फेस अच्छा कभी देखे हो आसमान पे अगर पृथ्वी से बाहर चढ़ गया पूरा यूनिवर्स काला ही है सर ठीक है तो ब्लैक कलर हर जगह ठीक है हर जगह पे देखो अभी देखो वर्ब यूज करो वर्ब काला भट्टा वर्ब बनाओ वर्ब बनाओ ब्लैक द ओएमआर सीट आप पूछे हो इसका मतलब क्या है ओएमआर सीट में वो ब्लैक फील करना डन सर बाल तो देके जा सर जी अभी आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं मैं छोटा सा होमवर्क बट ठीक है सर आप खुद ऐसा क्लास एवरीबॉडी यस सर लिख लो या तो सुन लो होमवर्क है आप लोग ऐसा कुछ नाउन एंड वर्ब निकालो जिसको आप इंटरचेंज कर सको मतलब नाउन को वर्ब जैसे यूज करो वर्ब को नाउन जैसे यूज करो ऐसे 10 सेंटेंस का 10 अभी सर अभी बस